बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रोड शो निकाल रहे हैं, तीन चरण, तीसरे चरण का चुनाव कल होने वाला है। भाजपा कितनी कॉन्फिडेंट है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बंगाल की जनता कॉन्फिडेंट है और तय कर चुकी है कि 200 पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है। एक ममता जी के कुशासन, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ वोट देने का उन्होंने मन बनाया है और पूरे बंगाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सफलता देने का मन बनाया हुआ है। इतनी धूप गए, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में लोग जिस उत्साह से आए हैं, ये संदेश दे रहा है इस बार बंगाल 200 पार भारतीय जनता पार्टी। नड्डा जी, तीन साल पहले तक बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, आज सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बीजेपी इस पोजीशन में आई? बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति भी बनाई, अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम को बढ़ा करके उस योजना को आगे बढ़ाया है और उसको एक अमली जामा पहनाया है। आज हम 18 सीटों के साथ लोकसभा में हैं और अब हम बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। राष्ट्र से आज सीबीआई हाईकोर्ट। बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि संविधान बदलते समय किसान की जमीन छीनने को लेकर झूठ बोलने का काम किया जा रहा है और पीएम मोदी ने कहा है कि आजकल गलत नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ